कक्षा षष्ठ दशमा पाठ रक्षक भक्षका प्रशस्यतर। इस पाठ को पाठ के पूरे वीडियो को आप देखेंगे और वीडियो के मध्य बीच बीच में आप लोगों से पांच प्रश्न पूछे जाएंगे और पांचों प्रश्नों का उत्तर आप अंत में वीडियो समाप्त होने के बाद कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, इसलिए कि आपको पूरा वीडियो देखना है। कौशल देशे सिद्धार्थो नाम बालक आसीत। कौशल देशे, कौशल देश में, देश का नाम है कौशल। कौशल देश में सिद्धार्थो नाम बालक आसीत। सिद्धार्थ नाम का बालक आसीत मन था। बालक का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये लिखा है सिद्धार्थो, तो बालक का नाम सिद्धार्थो नहीं था, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ को ही यह संधि नियम से सिद्धार्थ हो, विसर्ग को ओ की मात्रा हो जाती है। तो कौशल देशे सिद्धार्थो नाम बालक आसीत। कौशल देश में सिद्धार्थ नाम का बालक था। सह एकदा उपवनम अगच्छत। सह माने वह, एकदा, एकदा माने एक बार, एकदा, एकदा माने एक बार। उपवनम अगच्छत, उपवन माने बाग में, अगच्छत मिल गया। एक बार वह बाग में गया। एक बार बाग में कौन गया? सिद्धार्थ नाम का बालक। उपवनम मनोहरम आसी। उपवन माने बाग, मनोहर, मनोहर माने मन को हरने वाला, अर्थात सुंदर। आसी माने था, बाग सुंदर था। बाग कैसा था? बाग सुंदर था। बहवः खगाः तत्र कलरवम कुर्वन्ति स्म। बहवः माने बहुत से, खगाः, खग माने पक्षी, एक वचन में होता है खगाः, पक्षी बहुवचन में। बहवः खगाः, बहुत से पक्षी, तत्र माने वहां, कलरवम कुर्वन्ति स्म माने कलरव कर रहे थे। कलरव माने चहचहाना, चिड़ियों की, पक्षियों की चहचहाहट को कलरव कहते हैं। बहवः खगाः, बहुत से पक्षी, तत्र माने वहां, कलरवम कुर्वन्ति स्म कलरव कर रहे थे। कुर्वन्ति माने कर रहे हैं, कुर्वन्ति में स्म लग जाने पर क्रिया भूतकाल की हो जाती है। किसी भी क्रिया में जब वर्तमान काल की क्रिया में स्म लग जाता है तो क्रिया भूतकाल की बन जाती है। कुर्वन्ति स्म माने करते थे, कुर्वन्ति माने करते हैं, कुर्वन्ति स्म करते थे। तो बहवः खगाः, बहुत से पक्षी वहां कलरव कर रहे थे, चहचहा रहे थे। राजहंसाः च स्वच्छंदम विचरन्ति स्म। च माने और, राजहंस स्वच्छंदम माने स्वतंत्रता पूर्वक, विचरन्ति स्म घूम रहे थे। विचरन्ति माने घूम रहे हैं, विचरन्ति घूम रहे हैं, और विचरन्ति स्म घूम रहे थे यानी, और राजहंस स्वतंत्रता पूर्वक घूम रहे थे। बेरोक टोक माने किसी प्रकार के उसमें कोई रुकावट नहीं थी, बाधा नहीं थी। बेरोक टोक अर्थात आजादी के साथ स्वतंत्रता पूर्वक विचरन्ति स्म घूम रहे थे। राजहंस स्वतंत्रता पूर्वक घूम रहे थे। तेषु केचन जलेषु, तेषु माने उनमें, उन राजहंसों में, केचन माने कुछ, केचन कुछ, केचन जलेषु माने जल में, केचन स्थलेषु कुछ स्थल पर, स्थल माने जमीन पर, केचन च और कुछ वृक्षेषु माने वृक्षों पर, आसन, आसन का मतलब बैठने का आसन नहीं, ये आसीत का बहुवचन है, आसन, आसीत माने था, आसन माने थे। तो उन हंसों में कुछ जल में, कुछ जमीन पर और कुछ वृक्षों पर थे। सहसा एकह राजहंस वृक्षात अपता। सहसा माने अचानक एक राजहंस वृक्ष से गिरा। अब देखिए प्रश्न है, अचानक वृक्ष से कौन गिरा? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है वीडियो देखने के बाद। वीडियो जो ही देखेंगे इसका उत्तर आपको लिखना है। तो सहसा एकह राजहंस वृक्षात अपतत। अचानक एक राजहंस वृक्ष से गिरा। सह अपतत, अपतत मैंने गिरा, देखिए अपतत पत धातु है, पत मैंने गिरना, पत अपतत भूतकाल का रूप है, भूतकाल मैंने जिसे आप पास्ट टेंस भी कहते हैं। अपतत मैंने गिरा। तो सहसा एकह राजहंस वृक्षात अपतत, अचानक एक राजहंस वृक्ष से गिरा। सह शरेण आहत आसी। वह शरेण, शर माने बाण, शरेण माने बाण से, आहत, आहत माने घायल, आसी था, वह बाण से घायल था। वह राजहंस किससे घायल था? बाण से घायल था। सह पीड़या करुण क्रंदनम करोति स्म। सह माने वह राजहंस
पीड़या, पीड़या माने पीड़ा से, पीड़ा शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन रूप है पीड़या, पीड़ा से। करुण क्रंदनम करोति स्म, करुण क्रंदन माने चीख पुकार, करुण क्रंदनम चीख पुकार। करोति स्म माने कर रहा था, करोति माने कर रहा है या करता है, और इसमें स्म लग गया करोति स्म कर रहा था। देखिए ऊपर भी लिखा यहाँ पर लग लकार का रूप, सब में वर्तमान काल की क्रिया में स्म जोड़ करके भूतकाल का रूप बनाया गया है। तो सह पीड़या करुण क्रंदनम करोति स्म, वह पीड़ा से करुण क्रंदन कर रहा था। तस्य क्रंदनम श्रुत्वा, उसका क्रंदन, क्रंदन माने चीख, उसकी चीख, तस्य माने उसकी, राजहंस की, क्रंदनम श्रुत्वा माने चीख सुनकर, श्रुत्वा, श्रुत्वा माने सुनकर, सिद्धार्थ दुखिता अभवत, सिद्धार्थ दुखी हुआ, उसकी चीख सुनकर सिद्धार्थ दुखी हुआ। सह तम हंसम कुटीरम आनयत, वह उस हंस को कुटीरम आनयत, कुटी में ले आया। देखिए तो दूसरा प्रश्न है, सिद्धार्थ उस घायल हंस को कहाँ ले गया, ये प्रश्न नंबर दो है, इसका भी उत्तर लिखना है। क्या उसका उत्तर होगा, कुटी में। तो सह तम हंसम कुटीरम आनयत, वह उस हंस को कुटी में ले आया। तस्य सेवाम च अकरोत, और उसकी सेवा की। देखिए आनयत, आनयत माने ले आया, कहाँ ले आए, कुटी में। तो वह उस हंस को कुटी, कुटी यानी झोपड़ी जिसे मड़िया भी कहते हैं, कुटी में ले आया और उसकी सेवा की। यदा सह हंस तस्य सेवया स्वस्थ अभवत, यदा माने जब, सह हंस माने वह हंस, तस्य सेवया उसकी सेवा से, सेवया में सेवा शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन है सेवया, सेवया सेवा से। जब हंस, जब वह हंस उसकी सेवा से यानी सिद्धार्थ की सेवा से स्वस्थ अभवत माने स्वस्थ हो गया, ठीक हो गया। तदैव, तदैव माने तदाधन एव, तदैव इसमें नहीं लिखा है, तदाधन एव नहीं, तदैव, तदैव ये संधि विच्छेद, तदा धन एव, तदा माने तब, एव माने ही, तभी अर्थ होगा तभी, तदा धन एव तदैव। तदैव तभी देवदत्त तत्र आगच्छत, देवदत्त वहां आया। तो जब हंस उसकी सेवा से स्वस्थ हो गया तभी देवदत्त वहां आ गया। अवदत् च और कहा, अयम मम हंसः, अयम माने यह, मम हंसः मेरा हंस है। सिद्धार्थ अवदत्, सिद्धार्थ ने कहा, अहम इमम न दास्यामि, मैं इसको नहीं दूंगा। अहम इमम माने इसको, न दास्यामि नहीं दूंगा, दास्यामि माने दूंगा, दास्यामि दूंगा, न दास्यामि नहीं दूंगा, न माने नहीं। तो अहम इमम न दास्यामि, मैं इसको नहीं दूंगा। अयम हंसः मम अस्ति, यह हंस मेरा है। सिद्धार्थ ने कहा कि यह हंस मेरा है, मैं इसे नहीं दूंगा। देवदत्त पुनः अवदत्, देवदत्त ने पुनः कहा, क्या कहा, अयम मम हंसः, यह मेरा हंस है। अहम इमम शरीण अपातयत, अहम मैंने इमम इसको शरीण, शर मैंने बाण, शरीण बाण से, अपातयत मैंने गिराया है, मैंने इसे बाण से गिराया है, इसे मेरा तीर लगा है, इसे मैंने बाण मारकर गिराया है। तो अहम इमम शरीण अपातयत, मैंने इसे बाण से मार गिराया है, अपातयत गिराया है, अपातयत गिराया। तो अहम इमम अहम अहम अयम मम हंस, यह हंस मेरा है। अहम इमम शरीण अपातयत, मैंने इसको बाण से मार गिराया है। अहम अस्य मांसम भक्षयिष्यामि, अहम मैं अस्य मांसम मैंने इसका मांस भक्षयिष्यामि खाऊंगा, भक्षयिष्यामि खाऊंगा, मैं इसका मांस खाऊंगा। सिद्धार्थ अवदत, सिद्धार्थ ने कहा, अहम अस्य रक्षाम कृतवान, मैंने इसकी रक्षा की है। अहम अस्य, अस्य मैंने इसकी रक्षा कृतवान, रक्षा की है, मैंने इसकी रक्षा की है। अतः मम हंसः अयम, इसलिए यह हंस मेरा है, क्योंकि मैंने इसकी रक्षा की है, इसलिए यह हंस मेरा है। तब प्रश्न नंबर चौथा सुनेंगे,
हंस की रक्षा किसने की का नाम लिखना है। हंस की रक्षा सिद्धार्थ ने की। एवं तयोह बालकयोह विवादः अभवत्। एवं इस प्रकार तयोह बालकयोह माने उन दोनों बालकों में, देवदत्त में और सिद्धार्थ में, विवादः अभवत्। विवाद हो गया। विवाद माने वाद विवाद, जिसे कहते झगड़ा, माने हाथापाई नहीं है, क्या कहते लाठी लठैत से नहीं, केवल वाणी का विवाद होता है, उसे वाद विवाद कहते हैं, विवाद। एवं इस प्रकार तयोह बालकयोह माने उन दोनों बालकों में विवाद हो गया, माने वाणी का झगड़ा हो गया, वाक युद्ध जिसे कहते हैं, वाक युद्ध विवाद हो गया। तव माने वे दोनों, तव माने वे दोनों, यहाँ तव के लिए सिद्धार्थ और देवदत्त, न्यायाधीशस्य समीपम अगच्छताम। न्यायाधीश के समीप, न्यायाधीश जो फैसला करने वाले होते हैं, कचहरी में बैठते हैं, न्यायालय में बैठते हैं, तो वहां पर जो सिद्धार्थ के पिताजी ही न्यायाधीश थे, वे दोनों दोनों बालक न्यायाधीश के समीप अगच्छताम गए। अगच्छत का बहु द्विवचन है अगच्छताम। वे दोनों न्यायाधीश के समीप गए। तत्र स्वम स्वम पक्षम अवदत्। वहां अपने अपने अपना पक्ष रखे, अपने अपनी अपनी बात रखी। न्यायाधीश सर्वम वृत्तांतम अश्रणोत। न्यायाधीश ने सर्वम वृत्तांत, वृत्तांत माने घटना, न्यायाधीश ने सारी घटना अश्रणोत सुनी। निर्णयम च अकरोत, और निर्णय किया। न्यायाधीश ने सारी घटना सुनी, दोनों की बातें सुनी और निर्णय किया। क्या निर्णय किया? कि रक्षक भक्षकात् प्रशस्यतरः भवति। रक्षक, रक्षक माने रक्षा करने वाला, भक्षकात् माने भक्षक माने खाने वाला, भक्षकात् खाने वाले से यानी मारने वाले से, रक्षा करने वाला खाने वाले से मारने वाले से प्रशस्य तरह माने श्रेष्ठ बहुत ही होता है, रक्षा करने वाला मारने वाले से श्रेष्ठ होता है। सिद्धार्थ अस्य रक्षक, सिद्धार्थ ने इसकी रक्षा की, सिद्धार्थ इसका रक्षक है, रक्षक माने रक्षा करने वाला है, सिद्धार्थ इसका रक्षक है, हंस की रक्षा करने वाला है। सह हंसम नयतु, वह हंस को ले जाए, माने हंस सिद्धार्थ को दे दिया गया। तो अंतिम प्रश्न है, श्रेष्ठ कौन होता है, श्रेष्ठ कौन होता है आप, मारने वाला या बचाने वाला, खाने वाला या रक्षा करने वाला, आपको इसका उत्तर लिखना है। आगे के जो वीडियो है पीडीएफ के माध्यम से इस पाठ का अभ्यास कार्य आप लोग को भेजा जाएगा, इसे आप याद करेंगे। इस पाठ का जो सारांश है, कहानी है, ये भी आपको भेजा जाएगा।